संदेह में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक फ़ोन है MI 5A। दोस्तों कस्टमर का कहना है इसमें कि इस फ़ोन में टच नहीं काम कर रहा है। दोस्तों आप भी देख सकते हो, ये फ़ोन मैं खोल के पहले से रखा हूँ वीडियो बढ़ाना हो इसके लिए। इस फ़ोन को हम ऑन करते हैं दोस्तों। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो नहीं तो डिसलाइक भी कर देना दोस्तों। दोस्तों टच में कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा दोस्तों। थोड़ा भी काम नहीं कर रहा दोस्तों। मैं इसको बैटरी निकालता हूँ दोस्तों। और ये है दोस्तों टच पत्ता। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कस्टमर ने इस फोन को और भी जगह दिखा चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों दोस्तों यहाँ पर डाइबोर्ड होता है और यहाँ भी डाइबोर्ड होता है। इसे काला डाइबोर्ड है दोस्तों। ये काला डाइबोर्ड यहाँ पर भी होता है दोस्तों। और ये उसका सॉकेट है दोस्तों। हम इसे चेक करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा। और मैं दोस्तों ये भी बताऊंगा किस पर आना चाहिए और किस पर नहीं आना चाहिए। रेड प्रो को हम ग्राउंड करेंगे दोस्तों। ग्राउंड से चेक करेंगे। नहीं आ रहा है दोस्तों क्लियर। आपको क्लियर दिखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम रेड प्रो को ग्राउंड करेंगे और ग्राउंड से चेक करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये जो पहला इसका है ये ग्राउंड होता है दोस्तों। ये जो दूसरा है इस पर ये ग्राउंड नहीं होता है दोस्तों। और ये तीसरा है दोस्तों, ये भी ग्राउंड नहीं होता है। चौथा भी ग्राउंड नहीं होता है दोस्तों। पांचवा ग्राउंड होता है दोस्तों। वही प्रक्रिया इधर है दोस्तों। पहला ग्राउंड होता है, दूसरा ग्राउंड नहीं होता है, तीसरा ग्राउंड होता है दोस्तों, चौथा नहीं ग्राउंड होता है, फिर पांचवा ग्राउंड होता है दोस्तों। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। और रही बात इसमें दोस्तों, जो दूसरा है ये शॉर्ट बता रहा है। और इसी चक्कर में दोस्तों ये सब डाइबोर्ड निकाला गया है इसका। दोस्तों पीछे से हम चेक करेंगे दोस्तों। ये जो तीसरा वायर है दोस्तों, इसका फॉल्ट ज़्यादा आता है MI 5A। ये तीसरा जो सप्लाई है यही ब्रेक होता है और टच नहीं काम करता है दोस्तों। तो इसका सप्लाई हमें यहाँ से मिलता है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस से। क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों यहाँ से।
और मिल रहा है। अब हमें चेक करना है दोस्तों, इस कैपेसिटी रेजिस्टेंस कोई दिक्कत है नहीं। हम चेक करेंगे दोस्तों इस रेजिस्टेंस से, इससे कोई ताल्लुक नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं है दोस्तों। कोई एक कैपेसिटर हमें शॉर्ट दिखाई देगा दोस्तों। सही है दोस्तों, ये शॉर्ट है दोस्तों, ये कैपेसिटर दोस्तों हमें शॉर्ट लग रहा है। अब ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, दूसरे का लाइन यहाँ मुझे मिल रहा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ इस कैपेसिटर से हम इस कैपेसिटर को दोस्तों रिमूव करेंगे। दोस्तों थोड़ा पेस्ट लगाएंगे, इसे हम साफ करेंगे दोस्तों ब्रश के थ्रू। दोस्तों ये हमारा कैपेसिटर एक जो दूसरा था हमने निकाल दिया। दोस्तों हम इसे चेक करेंगे, पहला दोस्तों दूसरा भी सही हो गया, हमें रेजिस्टेंस मिलना चालू हो गया दोस्तों, ये रेजिस्टेंस हमें मिलना चालू हो गया। दोस्तों इसे हम फिट करेंगे बोर्ड में। टच पत्ता भी हम इसमें लगा देंगे दोस्तों। इस फोन को दोस्तों हम ऑन करेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों डायबोर्ड निकला हुआ है, उस डायबोर्ड को हम लगाएंगे नहीं, इन्हें लगाए हुए हमारा काम करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों वीडियो तो बड़ा हो जाएगा पर वीडियो को आप स्किप ना करें दोस्तों, वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दोस्तों हमारा टच काम करना शुरू हो गया दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अब वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।